असलम नाजरीन मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे शहर के अहम इश्यूज आप तक पहुंचाते हैं रात में जो कन्फ्यूजन होता है जो बड़ी बड़ी स्टोरीज़ होती हैं इस शहर से मुतल वो आप तक पहुंचाते हैं और इसी प्रोग्राम का येवा ये रहा है कि कंसर्न अथॉरटीज़ से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं क्या काम हो रहा है शहर के अंदर वो भी आपको बताते हैं नाजरीन एक अहम कार्रवाई का सिलसिला ग़ैरकानूनी तमीरत के हवाले से जारी है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जिसमें डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम और यकीनी तौर पे डी जी एस बी सी सोलंगी की मुश्तरक कार्रवाइयों के नतीजे में जो कार्रवाइयाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं सिर्फ नाजाबाद टाउन के अंदर जो है वो तेरह से जायद बिल्डिंग्स जो हैं उसको मिसमार किया गया है और सिर्फ मिसमार नहीं हम ये देखते थे कि ये बातें भी होती थी कि जनाब कॉस्मेटिक कोई कार्रवाई कर दी गई है और अब हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि मुकम्मल तौर पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं बल्कि अगर कोई डमी या किसी भी ऐसे गैर कानूनी मकान के अंदर रिहाश पजीर है तो उसको भी बाहर निकाला जा रहा है और साथ साथ एफ आई आरस का सिलसिला भी अब शुरू हो रहा है और हमें जो इतलात मौतूल हो रही हैं वो यही है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा एक अहम इंटरव्यू हमारे ब्यूरो चीफ के ट्वेंटी वन न्यूज़ कामरान जहरी ने जो है वो ताज़ सलीम के साथ किया है ये कार्रवाइयाँ कैसे जारी रहेंगी कितनी जारी रहेंगी कब तक जारी रहेंगी क्या नतज हैं क्या एजेंडा है या क्या मामला इसके ऊपर तफसल से नाज्रीन डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताज सलीम का आपको मौक़ सुनवाते हैं ब्यूरो चीफ कामरान सैरी ने एक खसूसी और एक तफसल इंटरव्यू किया है हम चाहेंगे कि नाजरीन तक वो पहुँचाया जाए नाजरीन मेरा नाम मोहम्मद कामरान जहरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं कराची अली रज़ा के साथ नाजरीन गुज्त दो रोज़ से हमारे चैनल ने मुत्द दफ़ा ये रिपोर्ट की है कि कराची में जारी गैर कानूनी तमीरत को लेकर किस कदर अवामलनास के अंदर एक ग़ुस्सा शद बरमी या एहसास मायूसी फैलता जा रहा था और किसी इदारे के अंदर चाहे वह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या कोई ज़िले इंतज़ामियाँ की शिकायत को दरअंदाज करके गैर कानूनी तमीरत के, के जितने भी ये अनासर है, उनको खुली छूट दे दी थी लेकिन इस मामले के लिए सबसे पहले लिया इनिशिये अवामनास की तकलीफ को कराची के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही को बचाने के लिए जिला वस्ती के डिप्टी कमिश्नर तहस सलीम ने और आज हम मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर तहा सलीम के पास और उनसे जानेंगे कि क्या वजुआत हो गई कि कि किसी को, को कोई परवाह नहीं लेकिन डिप्टी कमिश्नर ताज सलीम आखिर क्यों अपने जिले के अंदर गैर कानूनी तमीरत को लेकर या गैर कानूनी तजावजात को लेकर या इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए क्यों कोशाए ताज सलीम साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया के ट्वेंटी वन न्यूज चैनल को टाइम देने के लिए सर आ, क्या मामला रहा है ऐसा क्यों जरूरत पेश आ गई कोई ख़ास एजेंडा है या जो अवामल न्नास के अंदर ये एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि शायद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस वालों को भी अब पैसों की ज़रूरत पड़ गई है इसीलिए लिए गैर कानूनी तमीर और इन बिल्डर माफिया के ख़िलाफ़ जो है अब कमर कसली गई है तो आवाम आपको सुन रही है जो भी बात है सर आज आप बता दें खुलकर बिस्मिल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामरान साहब आपके चैनल का हमेशा हमारा मौक़ टी वी पर लेके आते हैं और लोगों को बताते हैं देखें हम डिप्टी कमिश्नर अगर तैनात होते हैं तो किसी मकसद के तहत होते हैं सरकारी तनख्वाह में मिल रही होती है लोगों के टैक्स पेयर के मनी से हमारी तनख्वाह हमें मिलती है और कानूनी तौर पे डिस्ट्रिक्ट डमोलिशन कमेटी का चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होता है और सब डिवीजन लेवल पे असिस्टेंट कमिश्नर होता है और ये मेरा पहला टेन्योर नहीं है ये से, सेंट्रल के अंदर सेकेंड टेन्योर है और हमने पहले भी काफ़ी एंटी इंक्रोचमेंट्स पे इलीगल बिल्डिंग्स पे काम किया था तो मकसद यही होता है कि जो जिम्मेदारी हमें सरकार ने दी है और जो गवर्नमेंट का मोटिव है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे लाया जाए बस हम अपना काम कर रहे हैं ताजुब इस बात पर है कि अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो आवाज़ें उठ रही हैं हालांकि काम ना करने पे आवाज़ें उठनी चाहिए बेसिकली अगर कोई डिप्टी कमिश्नर या हम लोग एक्टिव ना हो बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले पे तब ज़्यादा आवाज़ उठनी चाहिए कि हमारी जॉब है हम नहीं कर रहे ये तो हमारा काम है इसके लिए हमें तनख्वाह मिलती है और हम अपनी जॉब कर रहे हैं हम किसी पर कोई ना कोई एहसान कर रहे हैं ना हम कोई इस तरह की चीज़ कर रहे हैं कि हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई चीज़ सर, कर रहे हैं क्या बनाया गया है अब होने क्या जा रहा है आवाम आपके पास कैसे आ सकती है और उस पर क्या एक्शन होगा आ, देखें बात है कि बहुत ज़्यादा रैम्पेंट इस वक्त तो ख़ासतौर तो पर नाजमाबाद में लियाबाद में तो बहुत ज़्यादा गुलबर्ग में बहुत ज़्यादा ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये वी जेनली फील कि एस बी सी ए नीड सपोर्ट अगर एस बी सी ए को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तब ये अकेले नहीं हो पाएगी और कल वी मेट द डी जी एस बी सी ए और वो बहुत ही कीन है इस मामले में और चाहते हैं कि वो काम बेहतरी हो तो फिर हम भी उनके लिए लबबैक कहते हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो पुलिस हो बाकी यूटिलिटीज़ के इदारे हों सब रिजिस्ट्र का इदारा हो हम सब मिल के एक ला हमने बनाया है कि हम सारे एक साथ एक फोर्स बन के वन पेज होके उन सारे अंडर कंस्ट्रक्शन जो मकानात हैं उसके ऊपर जाएंगे जो इस पर लॉ है कार्रवाई करेंगे और आगे इंशोर करेंगे कि दोबारा ना बने अच्छा। कल वो जो डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सुलंगी साहब से भी जब बात हुई उनका यही कहना था कि तहा सलीम साहब से जब बात हुई तो उन्होंने इतना ग्रेट इनिशिएटिव लिया है कि अगर आपके पास मशीनरी का फुकदान है या किसी चीज़ का तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपकी मावनत करेगी तो उस हवाले से भी एक तो ये बताएं दूसरा सर ये एफ़ का जो गिरफ्तारी का एक हम ये ख़बरों में सुन रहे हैं कि गैरकानूनी तमीरत के ख़िलाफ़ आप क्रैक डाउन इस हद तक नहीं होगा कि डिमोलिश होगी عوام नास को जो गुमराहकन जो करेगा या फ्रॉड एंड फ्रॉज किस में होगा तो वो क्या तरीके कारे और फिर किस तरह तंबी करेंगे इस टाइम अच्छा मशीनरी का आपने पूछा तो अल्हम्दुलिल्लाह जब अ, लास्ट डीएमसी टेन्योर था तो उसके अंदर हमारे पास दो एक्सकेवेटर हमने प्रोक्योर किए थे डी सेंट्रल के अंदर थे तो वो बड़ी एडवांटेज है हमें कि हमें मशीनरी बाहर से नहीं लेनी पड़ती तो वो बिल्कुल हाजिर है सरकारी चीज़ है तो सरकार के काम में यूज़ हो सेकेंडली इस बार हम लोगों ने जो लास्ट टाइम भी हमने कैंपेन की थी उसके अंदर और इसमें फ़र्क यह है कि इस बार हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अवेयरनेस पे जनरल पब्लिक की इसीलिए आप लोगों के प्लेटफॉर्म भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं उसके साथ साथ हमने एक लेटर और एक मीटिंग की रियल एस्टेट एसोसिएशन के साथ और हमने उनको ये कहा कि आप लोग इंश्योर करें कि आपके लोग किसी भी किस्म के इलीगल सेल परचेज में इन्वॉल्व ना हो बिकॉज जो आम आदमी है वो बड़े मिडिल क्लास लोग होते हैं जो ये पोर्शंस लेते हैं बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा करके लेते हैं और एक मिनट के अंदर अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ तो बहुत ज़्यादती उन लोगों के साथ भी तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनको अवेयर करें कि भाई इन सब चीज़ों से दूर रहें आज लोग पटिशन भी डालते हैं तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आ जाते हैं फिर आप भले दस साल से रह रहे हो आपका घर डिमोलिश होता है तो इसलिए बेहतर यह है कि इन सब तरह के इ लीगल पोर्शनों से दूर रहें और खरीद ही नहीं बेसिकली अच्छा जी आपका कहने का मकसद ये है कि अब सिर्फ गैर कानूनी तमीरत को नहीं रोकने की अवेयरनेस ही जा रही है बल्कि अवामास को भी बाशूर होना पड़ेगा कि सस्ती चीज़ की लालच के अंदर वो ऐसे गैर कानूनी तमीरत के अंदर परचेजिंग ना करें ताकि वो कल को बाद में यहाँ यहाँ तक कि आपकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि साल दो साल दस साल बाद भी वो इलीगल ही रहेगा मतलब वो कभी लीगल उसकी लीगैलिटीज में कभी शमार नहीं होगा मैं आपको बताऊँ हमारे पास बहुत सारे कोर्ट कम्प्लाइंस हमने देनी है जहां पे लोग कई सालों से रह रहे हैं और कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि विक्शन करें और उसको रिमूव करें तो हमें करना पड़ेगा बिकॉज कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और हम उसका एहतराम करते हैं तो लोगों के लिए हम बस ये कह सकते हैं दस बसता के प्लीज काइंडली अपने पैसों को सेव करें इस तरह की किसी इन्वेस्टमेंट में अपनी जिंदगी भर की कमाई को रिस्क में ना डाल ये बहुत आम तरीन बात है अवामल्लास आप लोगों के लिए जिला वस्ती नहीं पूरी कराची वालों के लिए कि फरमा रहे हैं कि आप दस साल बाद भी अगर उस मकान के उस गैर कानूनी बिल्डिंग के अंदर अगर वो पोर्शन के अंदर रह रहे हैं तो उसकी लीगल एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं है आप एक हवा पे रह रहे हैं और वो किसी भी टाइम पे कोर्ट के डायरेक्शन पर वो डिमोलिश हो सकती है और आपकी जो जमा पूंजी है वो ज्यादा हो जाएगी अच्छा सर एक और बात यह है इस वक्त यह बताइएगा कि जो सिंह बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से यह कहा जाता है कि उनके कुछ ऐसे अफसरान हैं जो खास तौर पर जिला वस्ती के अंदर ही तैनात किए जाते हैं जो एक की सजा आती है कि फला सिस्टम आ गया फला सिस्टम आ गया फला के नाम से आ गया अभी गुलबर्ग टाउन के हवाले से ये देखें आप ये मालूम तो करते हैं डायरेक्टर जनरल साहब से कल आपकी मुलाकात हुई है बार बार बात होगी कि आप ऐसे लोगों को क्यों अपॉइंट कर रहे हैं नाजाबाद के अंदर अमीन नाम का एक बंदा है जो ए के अंदर रिश्वत सतानी के अंदर मतलू है या अगर हम गुलबर्ग टाउन की बात कर लें इतने सालों से वही लोग काम कर रहे हैं और बिल्डिंगें रुक नहीं रही तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ही तो अमला है जो इन सबको परवान चढ़ा रहा है उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर कोई ऐसा बनाएंगे कि डायरेक्टर जनरल को या वजीर को खत लिखेंगे उनको पाबंद बनाएंगे कि इन राशि बल्दियातेंगे से जब तक जान नहीं छुटेगी तब तक चाहे असिस्टेंट कमिश्नर कर ले डिप्टी कमिश्नर खुद मैदान में आ जाए सीएम साहब खुद मैदान में आ जाए यह काम नहीं रुकेगा देखें आ, कल हमारी जो डीजी साहब से मीटिंग हुई वो बहुत वेल मीनिंग लगे डायनामिक ऑफिसर हैं और मिनिस्टर साहब से लेकर सीएम तक ब तक वो चाहते हैं कि ये जीरो टॉलरेंस पे काम हो और उस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि वो उनका मैंडेट है और वो कल हमारी इस टॉपिक पे बात निकली और उन्होंने हमें यकीन दहानी भी कराई कि वो काम कर रहे हैं इस पर बल्कि काफ़ी लोगों को सस्पेंड भी कर रहे हैं तो वो उनका मैंडेट है हम उस पर नहीं इंक्रोच करना चाह रहे हम सिर्फ एस बी सी ऐसे ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट पुलिस और जितने इदारे आपको ज़रूरत पड़ती है सब रजिस्ट्रार वगैरह सारे आपके साथ हैं आप बस काम करें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो पुलिस की ज़रूरत हो असिस्टेंट कमिश्नर की ज़रूरत हो कोई मशीनरी चाहिए हो एनी थिंग दैट यू नीड वी आर हेयर और हम आपकी सपोर्ट करेंगे आप, आप जाएं किसी तरीके से इस मैनेज को रोकें अच्छा आखिरी सवाल डिप्टी कमिश्नर साहब से जरूर पूछेंगे अवामल्लास बार बार इस बात की कहती है कि देखें चलें ठीक है अगर ग़ैरकानूनी तामीर करने वालों के खिलाफ इस्टेट एजेंटों के खिलाफ ब्रोकर के खिलाफ तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने चले भाई ये बेहतरीन इकदाम ये एक बेहतरीन इनिशियटिव ले लिया लेकिन जो आपके खुद के इदारे के लोग हैं जैसे अगर कोई असटेंट कमिश्नर के खिलाफ शिकायत करना चाहे मुख्तियार कारों के रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी क्या तरीक़ेकार है काम कैसे कैसे पहुंचे आप तक अपनी बात कैसे पहुंचाए और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या सिर्फ और सिर्फ वो फाइलों की नजर होंगी बातें देखें आ, हम लोग बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल हैं हमारे दफ्तर सुबह नौ बजे से खुल के फिर शाम छः सात बजे तक हम अवेलेबल होते हैं ऑफिस के अंदर आप जैसे भी अपना कंप्लेन दर्ज कराना चाहें चाहे सोशल मीडिया के थ्रू जैसे भी और ना ही सिर्फ मेरे एसी बल्कि मैं खुद और हमारे एसएसपी साहब और सारे लोग जवाब दें हैं आवाम को अगर कोई कंप्लेंट होती है आप तक मीडिया तक रिपोर्ट करें मीडिया बताए हमारे कमिश्नर साहब बहुत एक्टिवली चीज़ों को देख रहे हैं तो आई एम प्रटी शोर के जहाँ पर रिस्पॉसबिलिटी है वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी है और हम इन दोनों प्रिंसिपल्स पे बिलीव करते हैं और अगर हमारे अंदर से कोई ऐसी काली भेड़ पा पाई गई तो आप बेफिक्र बेफिक्रें कि उस पर बिल्कुल कानून के हिसाब से एक्शन हो गए अच्छा जी देखिए ये थे डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहा सलीम साहब ये इनका सेकेंड टनियोर है ज़िला वस्ती के लिए अच्छा पिछले दौर के अंदर ज़िला वस्ती के अंदर जितने रिकॉर्ड मेगा प्रोजेक्ट्स हुए हैं यही तहाज़ सलीम साहब के टाइम पर हुए हैं एक दफ़ा फिर इनको ये कमांड संभालने का मौका मिला है और इनकी बात आप लोगों ने सुनी ये बात आवाम के लिए कह रहे हैं ना ये अपने के लिए कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी हो गैर कानूनी पथारे माफिया हो 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 इलीगल इलीगल बाजार रोड कटिंग ये ये सिर्फ और सिर्फ और कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे गैर कानूनी काम कोई भी जिला वस्ती में होगा तो वो उसको खुद लुक आफ्टर करेंगे जहां तक बात रही शिकायतों की अगर खुद इनके अमले के ऊपर भी अगर किसी को कोई शिकायत शिकायत है कोई किसी किस्म का अब है तो ये उसको खुद भी लुक आफ्टर करेंगे अब देखना ये होगा कि या डिप्टी डायरेक्टर जनरल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस नासूर जो एक शहर में फैल चुका है इसके खिलाफ कैसे ऑपरेशन करने जा रहे हैं और इनको जो निशानदेही कराई जाएगी उसको ये कितने दिनों के अंदर इसके ऊपर परसू करते हुए एक्शन करेंगे जी नाजरीन आपने इंटरव्यू यकीनी तौर पर सुना हमने कल डी जी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का भी अब्दुलरशीद सुलंी का भी कामरान जरी साहब ने आप तक अहम इंटरव्यूज़ और ये तमाम तफसील पहुँचाई इसमें एक अहम बात निकल कर आ गई है जो कि यकीनी तौर पर वजी बल्दियाज इसके ऊपर नजर करेंगे कि आया क्या मामला है कि तह सलीम साहब भी इस तरफ निशानदेही करते दिखाई दिए मीटिंग के अंदर भी ये वाली बात सुनाई दी गई कि उन अफसरान का क्या होगा जो कई अर्से से तैनात हैं और मुबैना तौर पर ये बात सामने आती

एक्सरसाइज कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से काम करते दिखाई दे रहे हैं ता सलीम तो आप बेहतर तरीके से काम करते दिखाई जा रहे हैं हैं के नतज मिले और अगर नतज नहीं मिले तो उसके पीछे देखना पड़ेगा कि माजी में वैसे कौन से अफसरान जो अभी भी तैनात हैं और उनके हवाले से कहा जाता है कि जी कहीं ना कहीं मामला में सरपरस्ती दिखाई देती है तो यकीनी तौर पर वजी बल्दियाज साहब अगर इंक्वायरी कराएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है नाजरीन सामने आ सकती हैं हमारा मकसद सिर्फ निशानदेही करना है हमारा मकसद त्रवाब तक अहम मालूम लेकर आना है क्योंकि यह बात हम नहीं कह रहे यह बात उसी इंटरव्यू के अंदर निकल कर आ रही है जिसके अंदर ताज सलीम खुद एतराफ़ करते हैं कि जी डीजी साहब भी सस्पेंस सस्पेंड करते दिखाई दे रहे हैं लोगों को जो कि ऐसे मामला में मुलवि हैं और आगे भी ये हाल होती है तो यकीनी तौर पर इंक्वायरी होगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकेगी नाजरीन एक ब्रेक का वक्त हुआ है ब्रेक पर जा रहे हैं फिर हाज़िर होते हैं